वोटिंग प्रोसेस शुरू होने में मुश्किल से 3 दिन बचे हैं और ऐसे में पॉलिटिकल गलियारों में काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि लोगों में भी एक जोश और उत्साह देखने को मिला है कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। तो जहां पॉलिटिकल पार्टीज खुद को एक अच्छी लाइट में शो कर रही है और अपोजिशन को फटकार रही है, उसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी के दिए एक इंटरव्यू ने ऐसी सुर्खियां बटोरी है कि शायद सिर्फ इस एक इंटरव्यू से इलेक्शंस में बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ सकता है। पीएम मोदी, जो अपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से इस साल सबका टारगेट रहे हैं, ने अपनी छुपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सेंट्रल एजेंसीज की कंट्रोल, राम मंदिर, वन नेशन वन इलेक्शन, ईवीएम, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक एक्सेट्रा सबकी बात की है और लोगों को चौंका दिया है। तो बिना देरी शुरू करते हैं देश के अभी सबसे हीटेड टॉपिक से, और वो है इलेक्शंस के पहले देश में लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना। इसलिए क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज सच एस ईडी, सीबीआई आए दिन सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करती है। इस मामले पर कि सेंट्रल एजेंसीज पीएम मोदी के अंडर है का करारा जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कह दिया कि सेंट्रल एजेंसीज के एस्टेब्लिशमेंट के लॉस तो उन्होंने बनाए ही नहीं है, तो फिर भला कैसे ये सब उनके हाथ में है। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो कह भी दिया कि बीजेपी ने तो उल्टा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐसे सुधार किए हैं जिसकी वजह से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड आया है। और इसके बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमीशन बने, कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। आगे पीएम मोदी ने अपोजिशन पर व्यंग कसते हुए कह दिया कि वे कुछ भी बहाने देकर पहले ही अपनी हार का कारण दे रहे हैं एंड स्टेटेड, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। जब पीएम मोदी से सवाल किया गया कि अपोजिशन बीजेपी पर ये इल्जाम लगा रही है कि भला वे फ्रीली कैसे इलेक्शन लड़े जब सेंट्रल एजेंसीज द्वारा उन्हें अरेस्ट करने का डर है, तो पीएम मोदी कहने पर मजबूर हो गए, डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है। और आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि पीएम मोदी ने देशवासियों को समझाते हुए कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ईडी के पास केसेस ऐसे हैं कि वे सिर्फ 3% ही फॉर्म करते हैं, और करीबन 97% केसेस जो ईडी के पास है वे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए है। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी सवाल करने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसे में ईडी को इंडिपेंडेंटली काम करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। आगे पीएम मोदी ने ईडी की तारीफ करते हुए कहा, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए, बनाई क्यों भाई। आगे पीएम मोदी ने ईडी की तारीफ करते हुए कहा, 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई, और किसके लाभ में कहता था। मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। कई देश की जनता का पैसा नहीं है। दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे, 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा।
स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2200 करोड़। 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2200 करोड़ रुपया शिफ्ट करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर के इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है, लोग पकड़े थे, कैश भी पकड़ा है और मेरा ये कमिटमेंट है जी। ये तो बात हुई सेंट्रल एजेंसीज द्वारा लेवल प्लेइंग फील्ड को क्वेश्चन करने की, तो अब एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया पर। उठाया वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। अब बात करते हैं इस इंटरव्यू में हुए एक इम्पोर्टेंट मैटर की, जो था राम मंदिर का इशू। कहने को तो ये मामला देश के लिए खुशी की बात थी, पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे मिलकर पॉलिटिकल कर दिया था और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। इस मामले में पीएम मोदी ने अपोजिशन को टारगेट करते हुए कहा कि ये मामला उन्होंने ही पॉलिटिकल किया है, राम मंदिर को एक वोट बैंक की तरह रख कर, और इसलिए अभी तक ये मुद्दा सिमटा नहीं था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया तो लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली और ये मुद्दा फाइनली जाकर समाप्त हुआ। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहाँ तक कोशिश की गई, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। अपोजिशन पर एक बार फिर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने इस मामले को इतना पॉलिटिकल किया, इसके बावजूद भी इन्हें प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने आने से मना कर दिया। सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीज़ें होती रहती। और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मांगते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ ये तो नामदार है, हम तो कामदार है। पॉलिटिशियंस पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा भी है कि उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वे जो बोले वे करें, जैसे कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक के केस में किया है। मेरा मौका आया, मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। तीन तलाक, कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके ऊपर क्या भरोसा करें, ये तो एक बार एक बोलते दूसरा, लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा
को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूँ। अब देखते हैं कि जब पीएम मोदी ने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है तो नेक्स्ट कदम अपोजिशन द्वारा क्या रहता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।